सभी दोस्तों का पीआरडी क्लासेज में स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग रेखा गणित के कुछ अति महत्वपूर्ण परिभाषा और आकार के बारे में पढ़ेंगे। आकृति कितने प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले आकृति कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, आकृति एक बिमी हो सकती है, मतलब एक बिमी हो सकती है, द्विबिमी हो सकती है और त्रिबिमी हो सकती है, मतलब वन डायमेंशनल हो सकता है, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल होता है। मुख्य रूप से तीन होते हैं, मतलब एक बीमा का मतलब ये हुआ, एक बिमी का मतलब ये हुआ कि जिसमें केवल एक बीमा हो, मतलब एक ही भुजा कह सकते हैं। जैसे लाइन है, रेखा क्या होता है, रेखा एक बीमा होता है, मतलब रेखा की न केवल लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, तो रेखा हो गया। फिर से बिंदु कह सकते हैं, बिंदु हो गया, रेखाखंड हो गया, किरण हो गया, ये सब क्या है, एक बिमी आकृति है। और टू डायमेंशनल यानी कि द्विबिमी में कौन कौन हो सकता है, जैसे आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, त्रिभुज है, वृत्त है, ये सब क्या है, टू डायमेंशनल यानी कि द्विबिमी होती है, मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई दिया हो, मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो उसे द्विबिमी कहते हैं। यानी कि आयतन आयत हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, वृत्त होगा। बहुत से ऐसे आकृति होंगे जो द्विबिमी होंगे, मतलब उनकी केवल लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आ जाता है तो उसे त्रिबिमी आकृति बनती है, यानी कि लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है, तो उसे त्रिबिमी आकृति कहते हैं। यानी कि कहें तो उसमें जैसे आप ले सकते हैं घनाभ, घनाभ में क्या होता है, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। घन कह सकते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो होता है वो तीनों क्या होता है, समान होता है, मतलब इसे घन कहते हैं। फिर इसे गोला कह सकते हैं, गोला, वृत्त को, मतलब वृत्त में अगर हम क्या कर दें, ऊंचाई दे दें तो वही गोला बन जाता है। फिर से हम बेलन कह सकते हैं, ये सब त्रिबिमी होती है। तो आइए कुछ परिभाषा देख लेते हैं। जैसे रेखा क्या होता है, लाइन क्या होती है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, मतलब अगर हम दो बिंदु लें और उनके बीच की दूरी जो होगी उसी को हम रेखा कहते हैं। और इसकी कोई अंतिम बिंदु नहीं होती है, मतलब ये अनंत होता है, इसकी कोई अंतिम बिंदु नहीं होती है, इसको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड क्या होता है, रेखा खंड क्या होता है, तो रेखाखंड रेखा का ही एक भाग होता है, रेखाखंड रेखा का ही एक भाग होता है जिसके अंतिम बिंदु होते हैं, मतलब अंतिम बिंदु होते हैं, मतलब जो एंड पॉइंट होता है वो होता है, मतलब यहाँ से ए और बी क्या हो गया, रेखाखंड हो गया, रेखा खंड हो गया। मान लीजिए इस रेखा को हम चार भागों में बांट दें, ए बी सी डी, तो जो बी सी होगा वो रेखा खंड कहलाएगा, चाहे ए बी क्या है, रेखा खंड है, बी सी भी रेखा खंड है और सी डी भी क्या है, रेखा खंड है। अब बिंदु क्या होता है, पॉइंट इंग्लिश में बोलते हैं, बिंदु क्या होता है, तो ज्यामिति की एक आकृति होती है जिसकी ना कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है और ना कोई ऊंचाई होती है, उसे ही बिंदु कहते हैं। मतलब अ फ्रेश डॉट इज कॉल्ड पॉइंट, मतलब एक फ्रेश, मतलब अगर हम सही तरीके से बना दें एक बिंदु को, मतलब जिसकी लंबाई ऊंचाई और ना चौड़ाई हो, उसी को क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। अब देखिए कोण क्या होता है, तो कोण इंग्लिश में एंगल बोलते हैं, इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को जिस उभयनिष्ठ बिंदु पर काटती हैं तो उस पर जो आकृति बनती है उसी को कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दो रेखा है और इसको यहाँ पे काटे तो इसी को हम कोण कहते हैं, अगर इसे काटे तो एक कोण सब बन रहे हैं, यहाँ पे चार कोण बन रहे हैं। किरण क्या होता है, तो एक प्रकार की रेखा होती है, एक क्या होती है, एक प्रकार की रेखा होती है जिसमें एकल बिंदु होता है और एक किनारे पर तीर होती है, मतलब इसको हम एक प्रकार की रेखा ही होती है जिसको हम एरो से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, एरो से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग टू डायमेंशनल यानी कि त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो दो बीमाएं होती हैं जिसमें उसमें एक आता है त्रिभुज। तो आइए त्रिभुज के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए त्रिभुज, त्रिभुज होता क्या है, तो एक बंद आकृति होती है जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है, मतलब तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है। जब तीन भुजाएं से मिलकर बनेंगी तो इसमें कितने कोण होंगे, तीन कोण होंगे, मतलब त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण होते हैं जो
मतलब तीनों भुजाओं से एक बंद आकृति बनती है। अब देखिए तीनों कोणों का मान जो होता है त्रिभुज के वह 180 अंश होता है। मतलब अगर हम तीनों मान लीजिए, अगर एक त्रिभुज है ए बी सी और एक कोण हो गए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी करें, तो ये तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 अंश होता है। कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं का योगफल होता है। मतलब किसी भी त्रिभुज का अगर हमको परिमाप निकालना है, चाहे कोई भी आकृति हो, अगर उसकी परिमाप निकालना है तो उसके सभी भुजाओं का योगफल कर दीजिए। मतलब चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, तो अगर उसका परिमाप निकालना है, टू डायमेंशनल है, द्विविमी है, तो उसके सभी भुजाओं का योगफल कर दीजिए, वो निकल जाएगा। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी और इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है और इसकी सी है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, इस त्रिभुज का जो परिमाप हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना होगा, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप हो जाएगा सभी भुजाओं का योगफल, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। अब मान लीजिए इसकी अगर ए की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर और सी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो तीनों को जोड़ दीजिए, 5 प्लस 6 प्लस 7 यानी कि 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये परिमाप होता है। ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जाता है। अगर दो भुजा दे देगा तो तीसरा भुजा पूछ सकता है, अगर परिमाप और दो भुजाएं दिया हो। अब त्रिभुज तभी बन सकता है, त्रिभुज तभी बन सकता है जब दो भुजाओं का योगफल शेष भुजा से अधिक हो जाए। मतलब त्रिभुज का कब बन सकता है, त्रिभुज कब बनेगा, तो कब बनेगा, जैसे अगर मान लीजिए अगर तीन भुजा ए बी सी है, तो इसमें कोई भी भुजा ले लीजिए, मतलब इसमें से अगर बड़ी भुजा ले, बड़ी भुजा ले और शेष दो भुजाओं का योगफल करें, मतलब मान लीजिए ए प्लस बी करते हैं, तो इसका मान सी से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सी से अधिक होना चाहिए। मतलब बड़ी भुजा से शेष दो भुजाओं का योगफल क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनना संभव है। अब देखिए त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, तो अर्ध मतलब जानते हैं हम, आधा होता है, और परिमाप निकालना जानते हैं, मतलब सभी भुजाओं का योगफल बटे दो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी कि इसे एस से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं कि त्रिभुज को किस आधार पर बांटा गया और कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज को भुजा और कोण के आधार पर बांटा गया है। मतलब भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का होता है, और कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। मतलब त्रिभुज को कहें तो दो, मतलब दो के आधार पर बांटा गया, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, और कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अब आइए देखते हैं बारी बारी से कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से होते हैं। तो देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के कौन कौन होते हैं, एक एक होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। अगर कहें समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो सम मतलब क्या होता है, समान होता है, और बाहु मतलब भुजा यानी कि साइड होता है, मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज है, मतलब मान लीजिए अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर तीनों भुजाओं का मान क्या हो, समान हो, तो उसी को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु मतलब क्या होगा, सम मतलब होता है बराबर, द्विव मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे ही समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ले लीजिए, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 कड़ी में 2 सेंटीमीटर होगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है, तो ये क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। अब आइए देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुज देखिए तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, सम कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए कोण, न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण का मतलब ये हुआ जिसका मान 90 अंश से कम हो, मतलब 1 अंश से लेकर 89 अंश तक के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का मान क्या हो, जिसके सभी कोणों का मान 90 अंश से कम हो, मतलब जिसका
मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का मान क्या हो, 90 अंश से कम हो, उसी को हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई त्रिभुज लेते हैं और यहाँ पे ए ले लिए 60 अंश, ए भी ले लिए 60 अंश, तो ये कितना होगा, 60 अंश होगा। तो यहाँ से ए न्यून कोण होगा। मान लीजिए अगर कोई हम लेते हैं, एक हो गया 70 अंश, दूसरा हो गया 50 अंश, तो तीसरा कितना होगा, 60 अंश होगा। कितना होगा, 60 अंश होगा, तो ये भी न्यून कोण होगा। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का मान क्या हो, 90 अंश से कोण कम हो, उसी को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो, उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए है समकोण त्रिभुज, क्या है, समकोण त्रिभुज, इसका मान कितना होगा, 90 होगा, और शेष क्या हो जाएगा, 90 के बराबर होगा। शेष दो भुजाओं का योगफल कितना हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं कि तीनों त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। अधिक कोण क्या होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए अधिक कोण त्रिभुज है, मतलब मान लीजिए 105 अंश है, तो बाकी क्या होगा, 90 अंश से कम ही होगा। यानी कि अधिकोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं और एक समकोण होता है, और अधिक कोण में एक 90 अंश से अधिक होता है। अधिक कोण में एक कोण क्या होता है, 90 अंश से अधिक होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है। अब आइए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, यानी कि एक जो भुजा होती है जो 90 अंश का होता है, वो क्या होता है, लंब होता है। मतलब यहाँ पे ए बी सी, अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना आता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, 1/2, और आधार और ऊंचाई का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कहें तो आधार गुणे ऊंचाई कीजिए, समकोण त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई कीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है जिसकी लंब यानी कि ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और आधार 5 सेंटीमीटर है। तो अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 और आधार 5, ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 2 × 5 = 10 हो जाएगा, यानी 5×25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, और ये जो लंब है यानी कि इसकी ऊंचाई है, तो मान लीजिए ए है 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो आधार है ये मान लीजिए 20 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो इसको क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं यानी ऊंचाई कहते हैं, और इसको हम कर्ण कहते हैं। तो अगर इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब त्रिभुज समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इसका निकालना है क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे, आधार क्या है, क्यू आर है, और ऊंचाई क्या है, पी क्यू है, तो हो जाएगा 1/2। क्यू आर का मान कितना है, 20 है, तो 20 रख दिए, और पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान 15 दिया, तो 15 रख दिया। अब ये देखिए 2 दहा में 20 होता है, तो 15 दहा में 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी क्षेत्रफल निकालना होता है, तो जो यूनिट यानी जो इकाई दी गई होती है, उसका वर्ग कर देते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो विषमभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो विषमभाव त्रिभुज क्या होता है, तो मतलब सभी भुजाएं क्या होती है, असमान होते हैं, मतलब बराबर नहीं होते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए इसकी लंबाई ए है, बी है, और ए सी है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक। तो सबसे पहले अर्धपरिमाप निकालेंगे, तो अर्धपरिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक। और हम हीरोन फार्मूले से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मतलब हीरोन सूत्र से इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हीरोन सूत्र होता है, मतलब किसी भी त्रिभुज का इससे निकल जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो जाएगा एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, क्या होगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हीरोन फार्मूला, इससे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, समभाव
विषमबाहु त्रिभुज का निकालने के लिए सबसे इजी यही लगेगा। यहाँ से ऊंचाई अगर निकालते हैं तो ऊंचाई निकालने में टाइम लगेगा और इससे हम इजीली निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर हम ले लें ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये हम ले लें 6 सेंटीमीटर, तो अगर इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप निकालने के लिए 6 प्लस 6 प्लस 8 करेंगे और 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10। क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 6 6 12 8 20, 20/2 यानी कि 10 आ जाएगा। तो एस का मान 10 आ गया, एस का मान कितना आ गया 10, तो यहाँ पे रखेंगे तो इसमें हम रखेंगे तो एस का मान 10 हो गया और 10 माइनस ए कितना है 6 है, तो 6 रख लिए। फिर से बी रखेंगे तो बी का मान कितना है 8 है, तो 10 माइनस 8 करेंगे और सी का मान कितना है 6 है, तो 6 रख लिए। तो अब घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 10 गुणे, ये 4 हो जाएगा, गुणे 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और गुणा 4 हो जाएगा। तो गुणा कर लेंगे 10 चौको 40, 40 दूना 80 और 320 हो जाएगा। मतलब कर्ली में कितना हो जाएगा 320। अगर वर्गमूल निकालें तो कुछ कर्ली में आएगा, मतलब वर्ग इकाई। क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। जो इकाई दिया रहेगा अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, इस पर एक वीडियो भी लेके आएंगे। अब देखिए है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती है। तो मान लीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4, मतलब कर्णी में 3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। तो अगर इसको हम निकालना चाहें तो यहाँ से सबसे पहले समझ लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस ये कहता है कि अगर हम कोई समकोण त्रिभुज लें। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो कहता है पाइथागोरस कि अगर हम एक समकोण त्रिभुज लें, क्या करें, समकोण त्रिभुज लें, तो समकोण त्रिभुज जो लेते हैं तो उसमें एक क्या होता है कर्ण होगा और एक क्या होगा आधार होगा और एक क्या है लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। अगर देखिए अगर हमको लंब पता है, मान लीजिए लंब कितना है, लंब 10 है और यह मान लीजिए आधार कितना है, आधार मान लीजिए यहाँ पे लंब 8 है, लंब कितना है 8 है और आधार 6 है, तो हमको कर्ण निकालना हो तो आधार का वर्ग कितना, देखिए यहाँ पे आधार कितना, आधार 6 है तो 6 का वर्ग कर लीजिए और लंब कितना है 8 है तो 8 का वर्ग कर लीजिए। 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है और 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो अब देखिए कर्ण का वर्ग है तो इधर का भी वर्ग होना चाहिए, नहीं तो 10 का वर्ग होता है, 100 10 का वर्ग होता है और कर्ण का वर्ग भी, कर्ण का वर्ग है तो वर्ग आधार समान है, घात समान है तो आधार समान हो जाएगा, आधार समान है तो घात समान हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कर्ण का मान कितना हो गया 10 हो गया। यही होता है पाइथागोरस। आइए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए अगर ये दिया हो, ये मान लीजिए अगर कर्ण, कर्ण दिया है, मान लीजिए हमको दिया है 13 और यहाँ पे आधार जो दिया है 12 दिया और लंब का मान पूछे, तो लंब का मान पूछे तो देखिए यहाँ पे कर्ण का वर्ग, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब, तो लंब कितना है नहीं जानते हैं, तो लंब को मान लीजिए x है तो x का स्क्वायर कर लेंगे और आधार कितना, आधार 12 है तो 12 का वर्ग कर लीजिए और कर्ण कितना है, कर्ण 13 दिया तो 13 का वर्ग कर लीजिए, 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब देखिए हम जानते हैं कि समीकरण को हल करने के लिए अचर को एक तरफ और चर को एक तरफ करते हैं, तो 169 एक क्या है अचर है, मतलब एक कांस्टेंट है, तो 144 को इधर लेते हैं क्योंकि ए भी क्या है एक अचर है और एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्या है चर है, तो 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या होगा 25 होगा, 25 x² यानी कि ये 5 का वर्ग होता है 25 और x² हो गया, यानी x का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि जो लंब है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो लंब का मान होगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये है पाइथागोरस प्रमेय, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, ये क्या है त्रिभुज है जो समबाहु, मतलब इसकी सभी भुजाएं ए मान लीजिए, तो ये सभी भुजाएं क्या हो जाएगी ए हो जाएगी
तो ए क्या हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा, क्योंकि ए डी ए से हम बी सी पे लंब डाले हैं, तो बी डी बराबर क्या होगा, सी डी होगा, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज बन जाता है, क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज ए डी बी बन गया, चाहे ए डी सी बन गया। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, या समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में मतलब हम कोई भी एक त्रिभुज ले सकते हैं। तो अगर हम ए डी की वैल्यू निकालना चाहें, मतलब ए डी का मान निकालना चाहें, तो देखिए ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग किसके बराबर होगा, ए बी का वर्ग के बराबर होगा, क्योंकि ए बी कर्ण है और बी डी क्या है, आधार है, और ए डी क्या है, लंब है। तो ए डी हम जानते नहीं, तो ए डी छोड़ दीजिए, और यहाँ पे ए बी का वर्ग माइनस ए डी बी डी का वर्ग हो जाएगा, बी डी का वर्ग हो जाएगा। तो ए बी कितना है, तो ए बी आपका है ए, तो ए का वर्ग हो जाएगा, और बी डी कितना है, ए बाई टू है, तो ए बाई टू का वर्ग कर लीजिए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, यानी कि अब चार का इसमें गुणा कर लीजिए, तो चार का जब गुणा करेंगे तो चार ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे चार हो जाएगा। तो ये देखिए कट जाएगा, ये हम निकाल कर रहे हैं, ए डी निकाल रहे हैं, तो ए डी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चार ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब थ्री ए स्क्वायर बटे चार। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी वर्ग है तो इधर हम वर्गमूल ले लें, तो हो जाएगा कर्ली में तीन बटे चार, और ए हो जाएगा ए, ए का वर्गमूल ए स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल केवल क्या होगा, ए होगा। तो अंडर रूट मतलब कर्ली में तीन बटे चार ए हो गया। तो इसका क्षेत्रफल हम जानते हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार गुणा क्या होता है, ऊंचाई होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है, एक बटे दो हो गया। आधार कितना है, ए बाई टू है, कितना है, ए है, कितना है, ए हम लिए हैं, आधार कितना है ए, और ऊंचाई इसकी कितनी आ गई, अंडर रूट मतलब ऊंचाई भी कितनी आ गई, अंडर रूट थ्री बाई फोर, ये टू हो जाएगा, क्योंकि ये चार है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, वर्गमूल लेने पे दो हो जाएगा, तो ये दो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भुजा यानी कि ऊंचाई कितनी हो गई, ए हो गई, तो यहाँ पे ए दिया है, तो ये हो जाएगा एक बटे मतलब कर्ली में तीन, और एक ये दो गुणे दो कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, कर्ली में तीन बटे चार, और एक गुणे एक कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे हम निकालते हैं, आइए एक बार और समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर हमको सम, ये मान लीजिए यहाँ पे छोड़ लीजिए इसको, हमको निकालना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर होता है, ठीक, ए होता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई त्रिभुज हम ले लेते हैं ए बी सी, ए बी सी, ठीक, और यहाँ से हम ए से डी पे भाग दे, मतलब लंब दे देते हैं, तो लंब जब देते हैं तो कितना बनेगा, 90 अंश बनेगा, मतलब ये भी समकोण त्रिभुज और ये भी समकोण त्रिभुज, दो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी डी और ए डी सी। तो कोई एक त्रिभुज हम लेते हैं, ये ए है और ये भी ए है और ये भी है, सबका भुजा का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक बटे दो आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आधार तो हमको पता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार तो पता है लेकिन ऊंचाई नहीं पता है। तो ऊंचाई एडी है, तो एडी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एडी का मान निकालने के लिए एडी का वर्ग, और ए बी क्या है, कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग माइनस बी डी का वर्ग हो जाएगा। तो ए बी कितना है, तो ए बी है ए, तो ए का वर्ग हो गया, और बी डी कितना है, तो बी डी ए बाई टू हो जाएगा, ए बाई टू का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा ए है, तो ये समान भाग में बांटता है, तो ए बाई टू ए हो जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर बाई चार मतलब फोर हो गया, ए का वर्ग बटे चार हो गया, और चार का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, चार ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे चार हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बटे चार, थ्री ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, चार, फोर हो जाएगा, यानी कि तीन ए का वर्ग बटे चार हो जाएगा। अब इसका ए डी है, क्या है, एडी का वर्ग, एडी का वर्ग का मान कितना हो गया, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा जगह की कमी है, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट मतलब ये वर्गमूल ले लेंगे, तो हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बटे चार। तो चार किसका वर्ग होता है, दो का, और एक किसका वर्ग होता है, एक का, ए का वर्ग है, तो अंडर रूट थ्री का मान नहीं आएगा, लेकिन ये दो का है और यहाँ पे दो है, मतलब एडी का मान हो गया। तो अब हम क्या करें, तो आधार कितना है, ए मतलब ए है, तो एक बटे दो ए हो गया, और ऊंचाई हम निकाल लिए, ऊंचाई कितना हो गया, अंडर रूट थ्री बाई टू ए हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट थ्री बाई फोर, और ए गुणे ए मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कल इसका दूसरा पार्ट आएगा जिसमें सम डिवाइड त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।